Hamza Vahinin Viladarini Hamza Vahinin Viladarini Himana Ganandini Jagata Kalyani Himana Ganandini Jagata Kalyani Jagata Janani Mata Mata Saraswati Sharada Mata Saraswati Sharada Saraswati Sharada Sharada Saraswati Sharada 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 Mata Saraswati Sharada. Good morning, my dear brothers and sisters. आज हम लोग देखेंगे detection of vestigial sideband suppressed carrier. पिछली क्लास में हम लोग ने VSBSC का देखा था, अब इसका डिटेक्शन देखेंगे. चलो शुरू करते हैं कुछ मतलब इसका डिटेक्शन क्वेश्चन तो अगले लेक्चर्स में. तो भाई पहले तो हमारा सिंपल कोहरेंट डिटेक्टर है, वही जो हम लोग हर बार यूज करते हैं. कोहरेंट डिटेक्टर वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर रखा है. चलो देखो भाई कोहरेंट डिटेक्टर में क्या बना हुआ है. एक हमारा लोकल ऑसिलेटर है जो हर बार की तरह क्या करेगा, जैसा ट्रांसमीटर में हम लोगों ने कैरियर बना भेजा होगा उसी तरीके का कैरियर हमारे रिसीवर पे बनाने की कोशिश करेगा. फिर हमारा लो पास फिल्टर लगा दिया है ना, मतलब जो लोकल ऑसिलेटर है वो जो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और जो इनकमिंग सिग्नल है उन दोनों का प्रोडक्ट मॉड्यूलेशन होगा और फिर जो आउटपुट सिग्नल होगा उसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे. यही काम हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं जब से AM पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये तो सभी में हम लोग करते आ रहे हैं. चलो तो ये जो VT होता है वो क्या होता है, जो इनकमिंग सिग्नल इनटू CT. CT क्या है, जो यहाँ से ये प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा कैरियर वेव. तो चलो ये इसने AC cos 2πfct बना ले रहा है. तो अब हमारा ये जो प्रोड्यूस कर रहा है वो AC cos 2πfct है. तो हमारा जो इनकमिंग सिग्नल होगा, इनकमिंग सिग्नल इनटू AC cos 2πfct हो जाएगा. CT की जगह पे हम लोगों ने ये लिख दिया. फिर हम लोगों ने क्या करा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया. चलो इसको आप लोग सिंपल ST इतना बड़ा ना लिखो, केवल सिंपल ये लिख लो ST. इसको हम लोग ले सकते हैं AC ST cos 2πfct. ST का मतलब ही है कि वो जो इनकमिंग सिग्नल आ रहा है, और USB वाला है वो अंडरस्टूड है. इतना ये लाइन करा के वो VSB USB करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग VSB ST कोई डिटेक्ट कर रहे हैं तो यही वाला सिग्नल होगा. ठीक है, तो हमारा AC ST cos 2πfct हो गया. अब इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे. फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, अब हम लोग VT का VF लिख दे रहे हैं, VT को VF में लिख दे रहे हैं. ये क्या हो जाएगा, SF-FC प्लस SF+FC अपॉन 2. यही ऐसे ही तो हम लोग करते आए हमेशा फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो यही हम लोगों ने यहाँ पे भी कर दिया. अब एक चीज बताओ, जो SF होता है उसकी ये होती है वैल्यू, है ना. ये हम लोगों ने पिछली क्लास में निकाली थी, जो SF होता था, जो VSB USB के जो FF है उसको इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें ये अब हमें SF पता चल गया. चलो VSB का है ना, तो SF का हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में पता चल गया कि ये होता है. तो हमें SF-FC निकालना है ना. SF हमें पता है, SF-FC निकालना है, SF+FC. ये मैंने काट इसलिए दिया है यहाँ पे क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि VSB USB के लिए हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, SF में से SF-FC निकालना है, फिर SF+FC निकालना है. तो जब हम लोगों ने SF-FC निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पे F है वहाँ वहाँ पे F-FC पुट कर दो. तो यहाँ पे F-2FC हो जाएगा, यहाँ पे केवल F हो जाएगा. वैसे ही जब SF+FC निकालेंगे तो यहाँ पे F+FC-FC यानी
प्लस एफ सी माइनस एफ सी कट जाएगा, खाली एम एफ बचेगा, यहाँ पे एफ प्लस एफ सी प्लस एफ सी यानी एफ प्लस टू एफ सी हो जाएगा, ठीक है। बाद में यहाँ भी एफ माइनस एफ सी, यहाँ पे एफ प्लस एफ सी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दो वैल्यूज निकाल ली है ना। अब हम इन दो वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम देखेंगे कि आउटपुट हमारा वी एफ क्या आ रहा है। फिर हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये हम लोगों ने एस एफ माइनस एफ सी प्लस एस एफ प्लस एफ सी हम लोगों ने अपॉन टू करा। फिर भाई क्या हुआ कि ये इसकी वैल्यू ये पुट करी, इसकी वैल्यू ये पुट करी, ठीक है। और फिर हम लोगों ने अपॉन में टू भी, तो हम लोगों ने ए सी बाई टू को बाहर ही ले लिया था, तो ये हो गया। फिर भाई इसको हम लोग लो पास फिल्टर से पास करेंगे, ठीक है। लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो ये देखना, एक जो ये वाला सिग्नल है, ठीक है, एम एफ माइनस टू एफ सी, ये एम एफ माइनस टू एफ सी जो वाला जो सिग्नल है, ये एक्चुअल में कहाँ पे होगा, ये देखो। जैसे एम एफ हमारा ये है, बिल्कुल बेस बैंड सिग्नल है, तो एन एफ माइनस एफ सी वाला सिग्नल कहीं यहाँ पे ही होगा, जो एफ सी के आसपास है ना, और उसी सॉरी टू एफ सी है, वो भी टू एफ सी है, तो यहाँ पे ही होगा एम एफ माइनस टू एफ सी। ये एम एफ माइनस टू एफ सी यहाँ कहीं होगा, और एम एफ प्लस टू एफ सी यही वाला सिग्नल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस टू एफ सी यहाँ कहीं होगा। तो जब लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो केवल यही वाला सिग्नल हमारा, जो एम एफ वाला जो कंपोनेंट है, वही केवल फिल्टर आउट होगा। तो केवल इसमें एम एफ वाला कंपोनेंट हमारा फिल्टर आउट हुआ, ये वाला फिल्टर आउट नहीं होगा, ये वाला भी फिल्टर आउट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों है बहुत दूर दूर है ना। और लो पास फिल्टर में ये देखो, ये भी टू एफ सी के आसपास शिफ्टेड है, और ये भी टू एफ सी के आसपास शिफ्टेड है, और एफ सी वैसे भी बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है ना, जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है। तो लो पास फिल्टर में केवल ये बेस बैंड सिग्नल जो एम एफ है, यही वाला हमारा फिल्टर आउट होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको लो पास फिल्टर से पास करा, तो हमारा ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल पास हो गया। तो क्या बचा, ए सी स्क्वायर बाई फोर, ये तो ये ए सी बाई टू, ये ए सी बाई टू हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ए सी स्क्वायर बाई फोर एम एफ, और एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी। ये अगर एच इसमें अगर एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी बचेगा, ये वाला बचेगा टर्म और ये वाला टर्म, क्योंकि ये दोनों एम एफ और ये दोनों मल्टीप्लाई में, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों टर्म पास होंगे और ये वाले टर्म पास होंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हमारा बचा ए सी स्क्वायर बाई फोर एम एफ एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी, ये हमारा लो पास फिल्टर से बाहर आया। और अभी तक हम लोग देखते थे आए थे कि जो कोहरेंट डिटेक्टर का जो आउटपुट होता था वो एम टी के प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है। तो हम लोग को कुछ ऐसा करना, और जो हमारा कोहरेंट डिटेक्टर का जो आउटपुट होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, ए सी स्क्वायर बाई टू एम टी, इस तरीके का होता था, इस तरीके का कोहरेंट डिटेक्टर का आउटपुट होता था, मतलब कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर में और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में, उसी तरीके का होता था। तो हम लोग भी चाहेंगे कि ये भी अभी उसी तरीके का बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर एच एफ माइनस एफ सी और एच एफ प्लस एफ सी की वैल्यू टू हो, अगर अब यहाँ पे आ गया, अगर अगर यहाँ पे एच एफ माइनस एफ सी और एच एफ प्लस एफ सी की वैल्यू टू हो, और ये एच एफ है क्या चीज, एच एफ वो ये था हमारा पल्स शेपिंग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन, मतलब कि आपका जो बैंड पास फिल्टर यूज करते थे उसका ट्रांसफर फंक्शन था, ठीक है, एच एफ। तो हमारा एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी की वैल्यू अगर टू हो, तो हमारा ए सी स्क्वायर बाई टू एम एफ हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बाई टू एम टी हमें मिल गया, मतलब आउटपुट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी मिल गया, ठीक है। हमें आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी मिल गया है, लेकिन हमारा हमारी कंडीशन क्या है कि एच एफ जो माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी की वैल्यू टू होनी चाहिए, ठीक है। अब ये है बात कि ये टू कब होगी, ठीक है। तो अगर डिस्टॉर्शन लेस रिप्रोडक्शन हमें करना है मैसेज बेसबैंड सिग्नल का एम टी का एट द कोहेरेंट डिटेक्टर आउटपुट वाई एफ, या जैसे हम कहें कि आउटपुट वाई एफ जो है कोई स्केल्ड वर्जन है,
मतलब स्केल्ड वर्जन का मतलब ए सी स्क्वायर बाई टू कुछ इसको इसकी स्केलिंग कर दी है, और एम एफ तो आउटपुट वाई एफ टू बी स्केल्ड वर्जन ऑफ एम एफ, या ऐसे समझ लो वाई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एफ, ये समझ लो, या वाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ हमें पानी है, तो इसके लिए हमारे लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी की वैल्यू टू हो, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए, और ये कंडीशन हम लोग ये कहाँ से कंडीशन, और ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब हम लोग जो ट्रांसमिट करते समय ध्यान रखें कि जो बैंड पास फिल्टर हम लोग यूज़ करेंगे, जो पल्स शेपिंग फिल्टर का यूज़ करेंगे, वो भले इतना एक्यूरेट ना हो लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल हो, आइडियल आइडियल तो नहीं बना पाएंगे लेकिन प्रैक्टिकल हो, लेकिन उसमें एच एफ माइनस एफ सी प्लस उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी की वैल्यू टू हमेशा देता हो, ठीक है। ये चीज हमें देखनी पड़ती है ट्रांसफर करते समय। एक दूसरा तरीका होता है बीएसबीएससी सिग्नल को रिसेप्शन रिसीव करने का, कि हम लोग उसमें बीएसबीएससी सिग्नल को जो रिसीव होता है उसमें हम लोग एक एडिशनल कैरियर ऐड कर देते हैं, तो हमारा बीएसबी एफसी बन जाता है, मतलब वेस्टिजियल साइड बैंड फुल कैरियर बन जाता है, फिर उसको इनवलप डिटेक्टर का यूज़ करके उसको डिटेक्ट करते हैं। एक ये भी तरीका होता है, ये दूसरा तरीका है, और ये जो हम लोगों ने ये कोहरेंट डिटेक्टर से पढ़ा वो ये तरीका है, ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस देख लो इसके, बीएसबीएससी के, इसमें जनरेशन काफ़ी आसान होता है, बैंडविथ रिड्यूस हो जाती है, बैंडविथ एक्चुअली बीच की होती है, डीएसबीएससी और एसएसबी के बीच की, लो फ्रीक्वेंसी नियर एफसी कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट एनी एटेन्यूएशन, इसमें लो फ्रीक्वेंसी भी ट्रांसमिटेड हो सकती है एफसी के आसपास की जिसमें बिना एटेन्यूएशन के, और स्मॉल कॉस्ट इन ऑपरेशन एंड डिजाइनिंग, और डिसएडवांटेज है वही बैंडविथ तो पावर एसएसबीएससी से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। और एप्लीकेशन इसकी कमर्शियल वीडियो ट्रांसमिशन, और यही टीवी ट्रांसमिशन या वीडियो ट्रांसमिशन में हम लोग यूज करते थे, ठीक है, अब नहीं करते हैं, अब तो सब डिजिटल करते हैं। ठीक है, तो वीडियो तो हमारे जैसे टीवी ट्रांसमिशन होता था तो उसमें वीडियो हम लोग वीएसबी से करते थे, ऑडियो हम लोग ज़्यादातर एफएम से करते हैं, हाँ। और जो वॉइस सिग्नल होता है उसमें वॉइस ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादातर हम लोग एसएसबी यूज़ करते थे, ठीक है। और वॉइस और ऑडियो में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ऑडियो का मतलब है जितनी भी रेंज में हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हम लोग सुन सकते हैं ना, वो सारी ऑडियो होती है, लेकिन वॉइस की एक वो लिमिटेड वो स्पेक्ट्रल होता है, अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था ना, है ना, वही चीज़। हाँ, वॉइस में सारी रेंज नहीं होती 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, हमारा वोकोडर जो होता है वो इस रेंज में नहीं प्रोड्यूस करता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और ऑडियो क्या हो जाती है जितनी भी हम लोग आवाज़ें हमारी कान सुन सकता है वो सब ऑडियो, ठीक है, हो सकती है, सबको ऑडियो कह सकते हैं। तो ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए हम लोग ज़्यादातर एफ एम यूज़ करते हैं, वीडियो ट्रांसमिशन के लिए वी एस बी यूज़ करते हैं, वॉइस ट्रांसमिशन के लिए एस एस बी यूज़ करते हैं। चलो, तो ए एम हमारा ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करा जाता है, डी एस बी एस सी क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं, और एस एस बी एस सी हम लोग वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, वी एस बी वीडियो में यूज़ करते हैं, एफ एम ऑडियो में यूज़ करते हैं। देखो एफ एम ऑडियो में हम लोग एफ एम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो एफ एम ट्रांसमिशन में जो एडिटिव नॉइज़ होती हैं, एडिटिव नॉइज़ का मतलब जो एम्पलीट्यूड में जो ऐड हो जाती हैं उसका इफेक्ट कम होता है, वो सब चीज़ें हम लोग एफ एम में देखेंगे, क्योंकि एफ एम में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी फ्रिक्वेंसी में होती है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर ऑडियो में एफ एम का यूज़ करते हैं। और एक नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट साइड बैंड, इसमें क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट साइड बैंड जो होते हैं वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा अपर साइड बैंड में कोई दूसरा मैसेज सिग्नल है, लोअर साइड बैंड में कोई दूसरा मैसेज सिग्नल है, ठीक है, इसमें कोई M1T मैसेज सिग्नल है और इसमें M2T मैसेज सिग्नल है लोअर साइड बैंड में, ठीक। तो इंडिपेंडेंट साइड बैंड इस तरीके से होते हैं, अपर साइड बैंड ये हमारा 0, ठीक है, फिर हमारा फिर इधर
निगेटिव साइड में भी ऐसे ही इसका बनेगा, हमारा लोअर साइड साइड बैंड में M2T में मैसेज है और अपर साइड बैंड में M1T मैसेज है सिग्नल। तो इसमें इंडिपेंडेंट साइड बैंड जो होते हैं, इसमें अलग अलग साइड बैंड, अपर साइड बैंड कोई और मैसेज सिग्नल को कैरी कर रहा होता है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ देखी उसमें ये था कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड एक ही मैसेज सिग्नल को कैरी कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट साइड बैंड में अपर साइड बैंड दूसरा मैसेज को करता है और लोअर साइड बैंड दूसरे मैसेज सिग्नल को कैरी कर रहा होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये जो हमें ये जो हम लोग VSB बनाते हैं, VSB SSB, उसका हमें बनाने का मॉड्यूलेटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमको ये MT दिया हुआ है, ये लोकल ऑसिलेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जरूर हमें क्या मिलेगा, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि MT यहाँ पे क्या होगा, VT इक्वल टू MT इंटू AC कॉस ओमेगा CT होगा। फिर हम लोग बैंड पास फिल्टर से पास कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली तो बैंड पास फिल्टर है जिसका हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है इस ग्राफ में। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ में दिया हुआ है, तो इसमें एक चीज देखने वाली है कि जब हमारा ओमेगा सी है ना, ओमेगा सी यहाँ कहीं बीच में वॉल्यूम है, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन पे जो वैल्यू है वो है 1 माइनस अल्फा, और बाद में वैल्यू हमारी हो जा रही है 1, बिल्कुल एंड में फाइनल वैल्यू 1 हो जा रही है और फाइनल गेन, और जब ओमेगा सी पे वैल्यू नहीं दी हुई है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन पे वैल्यू दी हुई है 1 माइनस अल्फा और ओमेगा सी माइनस ओमेगा वन पे वैल्यू दी हुई है अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू दी हुई है, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा टू में वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि बहुत दूर है वो। ठीक है, तो उसमें फाइनल वैल्यू 1 ही है। चलो ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये हमें इस तरीके से इसका फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया हुआ है, मतलब एक तरीके से ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो चलो VT देखते हैं कि क्या होगा। VT हमारा बनेगा, देख VT देखो, MT AC cos omega CT, तो इसमें से AC हम लोगों ने बाहर ले लिया, MT की ये वैल्यू दी हुई है A1 cos omega 1T, A2 cos omega 2T, तो MT की ये वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, एक टर्म बनेगा AC A1 by 2 2 cos omega 1T cos omega CT, उसी तरीके से दूसरा टर्म बनेगा AC A2 by 2 2 cos omega 2T cos of omega CT। फिर हम लोग इसमें 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें भी 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा सी टी, इसमें हो जाएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा 1T। ठीक है, उसी तरीके से ओमेगा सी प्लस ओमेगा 2T और ओमेगा सी माइनस ओमेगा 2T। अब ये जाएगा इस फिल्टर से, ये इनपुट सिग्नल है, ये इस फिल्टर से जाएगा। सीधी सी बात है, ये वाला टर्म ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन के लिए इसका गेन क्या होगा, इस फिल्टर का इस ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन वाले के लिए गेन होगा ये 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा, ये देखो ये चीज है, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन वाला पॉइंट है, तो इसमें ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन वाले पॉइंट के लिए जब कितना गेन है, 1 माइनस अल्फा, तो इस ये वाला टर्म जब आउटपुट में आएगा तो बस खाली इसमें इसका गेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर मतलब ट्रांसफर फंक्शन से हमें पता चलेगा गेन कितना है, तो 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन टी। फिर वैसे ही कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा वन के लिए, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा वन के लिए कितना गेन है, उसके लिए गेन है अल्फा, तो कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा वन के लिए जो गेन है वो हमारा अल्फा है। ये बीच में कहीं ओमेगा सी है उसके लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, उसकी जरूरत भी नहीं है, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा वन जो है उसके लिए हमारा जो गेन है वो हमारा अल्फा दिया हुआ है। तो इस ये जो हमारा दूसरा वाला जो ट्रांसफर फंक्शन, ये वाला जो हमारा टर्म है, इसमें कितना गेन आ जाएगा, AC A1 by 2 अल्फा कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा वन टी। नेक्स्ट हमारा टर्म है ओमेगा सी प्लस ओमेगा टू टी, तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा टू टी के लिए कितना गेन है हमारा, 1, क्योंकि ये पास बैंड में इसे लाई कर रहा है, तो पास बैंड में जो गेन हम लोगों ने रखा है वो 1, तो AC A2 by 2 कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा टू टी। अब ये देखो, जैसे ओमेगा सी और ओमेगा टू के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है ओमेगा सी प्लस ओमेगा टू, वैसे ही ओमेगा सी में जब हम लोग ओमेगा टू माइनस करेंगे तो ये स्टॉप बैंड में लाई कर रहा होगा, जब हम लोग ओमेगा सी में ओमेगा टू
ऐड कर रहे हैं तो इतनी दूर दूरी के बाद आ रहा है, यहाँ पे जब हमारा ओमेगा चल रहा है तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा टू कर रहे हैं तो इतनी दूरी का लग रही है। वैसे ही अगर हम ओमेगा सी माइनस ओमेगा टू कर दें तो हमारा कहीं यहाँ कहीं बहुत पीछे होगा, तो उस समय हमारा जो इसका गेन है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि ये चीज़ हमारे स्टॉप बैंड में लाई कर रहा है, ठीक है, ये ना हमारे ट्रांजिशन बैंड में है। ओमेगा सी माइनस ओमेगा टू ये हमारे ना ना तो पास बैंड में है ना ही हमारे ट्रांजिशन बैंड में है, ये हमारे स्टॉप बैंड में है, स्टॉप बैंड में है, और इसका गेन उस समय कितना है, जीरो। तो ये वाला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला टर्म आएगा नहीं क्योंकि ये स्टॉप बैंड में है। तो हमारा आउटपुट जो होगा इसका ये आएगा, ए सी ए वन बाई टू वन माइनस अल्फा कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन टी। ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन के लिए हमारा गेन है वन माइनस अल्फा, इसीलिए हमारा यहाँ पे वन माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये हमारा ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन हमारे ट्रांजिशन बैंड में लाई कर रहा है तो इसीलिए वन माइनस अल्फा इसमें गेन है, गेन है। ओमेगा सी माइनस ओमेगा वन ये भी हमारा ट्रांजिशन बैंड में, इस समय इसका गेन अल्फा है। और फिर हमारा ओमेगा सी प्लस ओमेगा टू ये पास बैंड है, इस समय इसका गेन वन है। और फिर ओमेगा सी माइनस ओमेगा टू ये हमारा स्टॉप बैंड में है जिसका गेन जीरो है, तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म वापस, ये वाला टर्म हमारा बैंड पास फिल्टर से पास ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म पास होंगे, ये वाला टर्म होंगे, ये वाला टर्म पास होंगे और उनके रिस्पेक्टिव गेन से मल्टीप्लाई होकर ये हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ना, अगर आपने क्वेश्चन देख लिया समझ गए होगे, है ना, इस तरीके क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने वीएसपी भी खत्म कर दिया, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसी के न्यूमेरिकल देखने के बाद हम लोग और भी चीजें देखेंगे इसमें, उसमें उसके बाद एफएम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को अभी अगर मुझसे कोई गलती होगी तो बता दीजिएगा, और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्रिसेप्टर्स ऑन हिंदी, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपको समझ में ना आया हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि प्रिसेप्टर्स ऑन हिंदी में आप ये जो आपका ये जो मेरा चैनल है इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल पर। और नेक्स्ट चीज़ आपकी ये है कि अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें तो प्लीज़ करें, क्योंकि हमें ये काम बहुत आगे तक ले जाना है, उसके लिए हमें फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। apreceptorson.com हिंदी apreceptorson.com पे जाके एक सपोर्ट नाम का पेज है, उस पे जाके आप हमें जो भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो कोई भी आप जगह पे आप कोचिंग में देख लो कितना रुपए बर्बाद होता है, और ये जो हमारा जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब में कितना रुपए बर्बाद होता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करेंगे तो ये काम मैं फ्री में और आगे बढ़ा सकूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें हमें फाइनेंशियली, इस पे जाके आप हमें जिन दुनिया भर के तरीके हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि है नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड, हर तरीके से आप इसमें हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जयराम जी की। माता सरस्वती शारदा 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 विद्यानारी दुःखहरणि जगत जननी माता सरस्वती शारदा सरस्वती शारदा।